हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए VVI इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम क्लास टेंथ में हो आप, या फिर ट्वेल्थ में हो, या फिर नाइन्थ एलेवेंथ में हो, ठीक है, इन सभी एग्जाम में ट्रांसलेशन यदि पूछे जाते हैं तो इस तरह से ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसको आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे, हम टेंस या बहुत सारे स्ट्रक्चर का वीडियो बना चुके हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देखिए और आप सीख जाएंगे आसानी से कैसे बनाना है। ठीक है, तो उन सभी का प्रयोग इसमें हम किए हैं। देखिए तो कैसे बनाना है आपको, देखिए जैसे पहला बोला गया है कि सादा सत्य बोलो, सादा सत्य बोलो कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे हम लोग ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वर्ग में हल्ला मत करो, ऐसे भी लोग बोलते रहते हैं, जो भी टीचर्स जाते हैं पढ़ाने के लिए, चाहे हम ही लोग जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि वर्ग में हल्ला मत करो। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो इस तरह से मत करो, तो पहले मत का अंग्रेजी आप लिख देंगे डोंट, ठीक है, डोंट लिख दिए, और हल्ला करना का अंग्रेजी हो जाएगा मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज हो गया, डोंट मेक ए नॉइज, और क्लास में इन द क्लास, इन द क्लास बन गया इस तरह से। जल्दी करो, जल्दी करो का अंग्रेजी होता है हरी अप, एच यू डबल आर वाई हरी अप, ये भी इंटर के एग्जाम में, ठीक है ना, पूछे जा चुके हैं, जल्दी करो। धूप में मत खेलो, तो उसी तरह से ये भी बना देंगे डोंट, डोंट प्ले मतलब मत खेलो, इन द सन मतलब धूप में, इन द सन, सन मतलब सूरज, सन माने धूप, दोनों होता है। ठीक है, इसी तरह से ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो कैसे बनाएंगे, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, आराम से बना देंगे आप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऐसे भी लोग बोलते रहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो अंग्रेजी में आप कैसे बोलेंगे, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, या मुझे गाड़ी चलाने आता है, ठीक है, मुझे चाय बनाने आता है, या मैं चाय बनाना जानता हूँ, ठीक है, मुझे साइकिल चलाने आता है, या मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, इस तरह से सेंटेंस आएगा, तो हाउ टू का यूज किया जाता है, जो हम इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, देख लीजिएगा। आई तो जानना क्या हो जाएगा, नो, ठीक है, आई नो मैं जानता हूँ, हाउ टू का यूज किया जाता है, हाउ टू मतलब कैसे, क्या गाड़ी चलाना, ड्राइव, ड्राइव ए कार, आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, मुझे गाड़ी चलाना आता है, या मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, इस तरह से और भी बना सकते हैं ना। मैं बोलूँ कि मुझे मोबाइल चलाने आता है, आई नो हाउ टू ऑपरेट द मोबाइल, ठीक, इस तरह से मुझे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह से। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, कैसे बनाएंगे, वी शुड हो गया, चाहिए, आउट टू का भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, और शुड लगाकर भी बनाया जा सकता है, तो वी शुड और आज्ञा मानना क्या हो जाएगा, ओबे, और यहाँ पे अपना का अंग्रेजी वी के अनुसार हो जाएगा आवर, और माता पिता का अंग्रेजी हो जाएगा पेरेंट्स, ठीक है, बन गया, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। आगे है हम लोगों को, तो हमें का वी हो गया, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो उसी तरह से बन जाएगा वी शुड, और यहाँ पे सेवा करनी है सर्व, SERV सर्व, और अपना का अंग्रेजी वी के अनुसार क्या हो जाएगा आवर, ठीक है, और माता पिता का अंग्रेजी हो जाएगा पेरेंट्स, बन गया वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स।
इसी तरह से दो और दो चार होता है तो क्या बनेगा, टू एंड टू, टू एंड टू। और यहाँ पे इज एम आर का यूज हो, लेकिन यहाँ पे आर नहीं लगेगा दोस्तों, सिंगुलर का। जब भी कहीं पे कैलकुलेशन करने की बात हो, जैसे जोड़ना घटाना या गुणा करना, कुछ भी गणित में गणितीय अंक की यूज किया जाए, जोड़ने घटाने कुछ भी, तो वहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, यानी टू एंड टू इज फोर हो जाएगा। या एक तरीका से और बना सकते हैं, टू एंड टू मेक्स फोर, मेक्स यूज होगा सिंगुलर, यानी दो और दो चार बनता है। सूर्य पूरब में उगता है, कैसे बनाएंगे, द सन, द सन राइजेज, राइज माने उगला होता है, और ये द सन थर्ड पर्सन में आता है, इसलिए यहाँ पे एस लगेगा, सिंगुलर बनेगा, एस लगाकर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, द सन राइजेज इन मतलब में द ईस्ट मतलब पूरब में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने ई द लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आर्टिकल्स जब पढ़िएगा तो आर्टिकल्स में बताया गया है कि दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसलिए हमने लगाया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी द लगा है, ये भी आर्टिकल है, तो हम जब आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे तो आर्टिकल में बताएंगे, उसमें रूल बताया गया है कि जो दुनिया में एक ही चीज होता है उसमें द का प्रयोग होता है, जैसे सूरज एक है। चाहे ऐसा भी बताया गया है कि आकाशीय पिंड के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, आकाश में जितने भी चीजें हैं, तारा सूरज चांद, इस सब में द लगाना है, ठीक है, जितना भी पिंड होगा, ठीक है, ग्रह है, पृथ्वी भी हो गया, द अर्थ लिखेंगे हम लोग। ऐसे भी देख लेंगे कि दुनिया में जो दुनिया में एक ही चीज होता है उसके पहले द का प्रयोग, यानी सूरज एक ही है इसलिए द का प्रयोग, ठीक है, दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग, ओके। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया। आप चलिए एक बार बोलकर बताते हैं, रिकॉल करके, सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वर्ग में हल्ला मत करो, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, जल्दी करो, हरी अप, धूप में मत खेलो, डोंट प्ले इन द सन, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, हमें अपनी माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वी शुड ओबे आवर, वी शुड सर्व, सर्व लगेगा क्योंकि सेवा करनी है, सर्व आवर पेरेंट्स। दो और दो चार होता है, टू एंड टू इज फोर, सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो इसमें हमने जो भी इम्पोर्टेंट लगा हमें आपको इसमें बताया, फिर और भी इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, इसको मान के चलते हैं कि ये पार्ट वन हो गया, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो और नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसका तो कमेंट करिए, तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।